फाइनली हम मार्गला रोड पे चढ़ने लगे हैं और इस वक्त हम खड़े हुए E11 के पुल पे। ये देखिए नीचे से बहुत बड़ा इन्होंने अंडरपास बनाया हुआ है और यहां से हम सीधा होते हुए चढ़ जाएंगे मार्गला रोड पर और उससे आगे हम जाएंगे खानपुर डैम की तरफ। तो चलिए सफर का आगाज शुरू करते हैं। मेरे साथ है हमजा भाई। हमजा ब्रो लेट्स गो। फाइनली हम खानपुर के काफी करीब आ चुके हैं। खानपुर रोड पे चढ़ चुके हैं और अभी से तकरीबन 5-6 किलोमीटर बाद खानपुर आ जाएगा। और इन भाई साहब से हमने थोड़े लेस वेज लिए। हाउ आर यू ब्रदर, कैसे मिजाज है सर? क्या नाम है आपका? अहमद नाम। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? ये भाई चश्मा लगाने लगे। चश्मा आएंगे? चलो खैर लाजमी विजिट करें। जब भी यहाँ पे खानपुर आए लाजमी विजिट करें। यहाँ की कोई खास बात बताए ना? बोतल यक्षणी में। अरे वाह, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने फैसला किया है कि एक एक ग्लास हम पिएंगे रॉ का। देखिए रॉ वाले भाई ने सोलर लगाया हुआ है और ये साथ नीचे से नहर बह रही है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और अभी से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है खानपुर डैम। जैसा कि आप फाइनली वी आर वेरी क्लोज टू खानपुर डैम, यू नो। ये देखिए ये नीचे से डैम का पानी बहता हुआ जा रहा है और कितना ही क्लासिकल व्यू है भाई यहाँ पर। और अबे अबे हमारे बाइक का ख्याल करो भाई, ये देखिए वो भी पानी आ रहा है वहां से और हम अभी ऊपर यार पूरा पुल हिल रहा है ट्रक की वजह से। हम इस वक्त ये डर गया बंदा एकदम। हम अभी 10-30 देर में खानपुर पहुंचने वाले हैं और हमजा भाई चले यार, गली को क्या हो गया? एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं खानपुर डैम। भाई क्या मनाजिर है भाई लोग, क्या मनाजिर है। ये देखिए ये इतनी बड़ी पार्किंग है खानपुर डैम की और ये सारा डैम ही डैम है भाई जान। आ जाइए, किधर है अब्दुल्ला सवाल है? सूरत हाल बहुत ज्यादा हॉट हुई भी है इस वक्त गर्मी की वजह से, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत नहाने शहाने का सीन बनाते हैं। ये देखिए अब्दुल्ला भाई खड़े हुए सामने। जनाब हाउ आर यू, कैसे मिजाज है? ये आपने आज कोई मतलब वो शर्त रखी हुई थी कि डैम के कलर की शर्ट पहननी है? सामने का पानी में जाए नजर ना आएगा। ऐ वल्लाह करदश। हाउ आर यू ब्रो, क्या नाम है भाईजान का? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, आप क्या लगते हैं इनके? ये मेरा हाँ जी। अच्छा नाइस ब्रो, माशाल्लाह जबरदस्त। गर्मी कुछ ज्यादा हो रही है आज, नहाने वाने का सीन करना है आप दोनों ने, ठीक है? है वाला, क्या 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 कहना चाह रहे थे आप? कुछ नहीं, मैं कहता हूँ वो सफर के मेरे लिए। हाँ ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या रेट है इसका? 800। ठीक है, अच्छा जी हम लोग खानपुर की थोड़ा सा परली साइड पे आ गए। यहाँ पे ना ये नहर का पानी खानपुर का आ रहा है, एकदम फ्रेश साफ सुथरा पानी आ रहा है और यहाँ पे काफी सारे लोग ना इसमें नहा भी रहे हैं। और अब हम लोग भी यहाँ पे आ गए नहाने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम खानपुर में ज्यादा खड़े नहीं हुए। हमने सोचा नहाने का सीन करते हैं। अब्दुल्ला भाई बाइक शेक लॉक कर रहे हैं हमारे,
साथ में नाम क्या भाई का? हसन। साथ में हमारे हसन भाई भी हैं और हमजा भाई एकदम रेडी हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि चलते हैं और जाकर नहर में मारते हैं छलांग। अच्छा बॉयज, इसमें एक ख्याल रखना, अच्छा तो ये कहाँ तक ले जाएगा हमको? आखिरी वाली रस्सी आपको पकड़नी पड़ेगी। अच्छा, खुद पकड़नी पड़ेगी? पकड़नी पड़ेगी, वरना और अगर ना पकड़ी तो फिर सीधा जन्नतुल फिरदौस। बिरयानी। तो यार ये थोड़ा सा रिस्की सीन है। अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि ये पानी ना थोड़ा वाकई प्रेशर से आ रहे हैं। देखें ये डंडी किस तरह बहती हुई जा रही है और वो लोग भी बहते हुए जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे स्टिल खड़े नहीं हो सकते। सो दैट्स व्हाई वहाँ पे एक रस्सी लटक रही है, उसको हमको पकड़ना पड़ता है ताकि हम लोग वहाँ पे रुक जाए। खैर चलते हैं और जाकर पानी में सीन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने सेल फोन और बैग शैग जमा कराने लगे हैं। लो भाई यहाँ पे एकदम हमने कर लिया पकौड़ो समोसों का सीन, आपको दिखाते हैं। देखिए अब्दुल्ला भाई ने ऑर्डर किए पकौड़े, साथ में केले और साथ में थोड़े से सेब, और इस वक्त फुल वाइब लेकर खा रहे हैं ब्रो। और ये भाई साहब अभी पानी को देख के जरा खौफजदा हुए हैं। अभी आपको पानी में लेके जाना है, थोड़ी सी डुबकियां लगवानी है। ओके ऑलराइट, हां इंशाल्लाह इधर जाना है। लो भाई फाइनली हम लोग जा रहे हैं पानी में डुबकी मारने, मैं और हमजा भाई। तकरीबन हमारी चेस्ट तक पानी आएगा, काफी ज्यादा गहरा पानी है। तो उतरते हैं हमजा, कम ऑन टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है चल से आगे। भाई तो कहने वाली बात ये है, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा, मैं आराम से जाऊंगा। और क्या कहते हैं मेरी सीन है मेरा अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई कोशिश करो कैसे कैसे रहो। बहुत ज्यादा रिस्की सीन था भाई, पानी का फ्लो इतना ज्यादा है कि आप यहाँ पे रुक नहीं सकते, आपको पानी घसीटता चला जाता है। लेकिन बहुत मजा आया। एक डुबकी और नहीं, मेरे पास हो गई गाइस। अब्दुल्ला भाई स्विमिंग का सीन ओके हो गया, आ जाइए। फाइनली हमने स्विमिंग कर ली है और इस वक्त
बहुत ज्यादा मजे का ठंडा ठंडा पानी था और ठंड पड़ गई हमारे अंदर और हसन भाई को ना एकदम ठंड लगने लगी है। हसन भाई सुना आपको ठंड लग रही है सर, ऐसा ही ठंड लग रहा था, पता नहीं अब्दुल सारी भाई ने बर्फ डाल रखा प्रेम किया था, सारा मजा खराब हो गया, मजा खराब हो गया। बट इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 41-42 डिग्री टेम्परेचर है और रेत फुल गर्म रेत है, लेकिन हसन भाई को पानी से बाहर निकल कर एकदम ठंड लग रही थी। को देख इतनी गुस्सा है कि दोबारा चलाने ये खैर है, हालांकि हमें हसन भाई गर्मी लग रही है, बड़ा शॉकिंग है आपको इसके होते हुए आपको सर्दी लग रही है। बाद में बहुत मजा आया। अब्दुल्ला भाई ये खानपुर डैम की कौन सी साइड है ये बता सकते? खानपुर डैम इससे ना तकरीबन 500 मीटर दूर है। अच्छा, वो मेन खानपुर डैम है, ठीक है, पहले आता है। अगर आप व्यूज वगैरह देखने वो वहाँ चले जाए, ठीक है, एंजॉय करें, उसके बाद नहाने के लिए यहाँ जाए, क्योंकि वहाँ पे सही यहाँ पे आप पीसफुली नहा, ठीक है। तो इस जगह का भी कोई स्पेसिफिक नेम है अगर लोगों को किस तरह से पता लगेगा? खानपुर का ही है, खानपुर। अच्छा, खानपुर कनाल कह लेते हैं, ठीक है, सही है। यहाँ पे आए चीजें वगैरह आपकी सिक्योरिटी वाइज भी ठीक होती है, बाइक राइट मसला नहीं। हाँ, वो तो उन्होंने प्रॉपर टिकट्स लिए, आपके बैग शैक की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, टोकन देते हैं। बहुत ज्यादा एंजॉय किया हसन भाई, एंजॉय किया आपने बहुत जबरदस्त ब्रो, थैंक यू सो मच। हमजा भाई आप तो साथ ही होते हैं, अब्दुल्ला भाई थैंक यू सो मच ब्रो। अब्दुल्ला भाई के साथ हम इस तरह के मीटअप्स करते हैं, अब्दुल्ला भाई के साथ हम सिर्फ वाटरफॉल्स और पानी शानी के हद तक रखते हैं, क्योंकि इनके साथ थोड़ा सा वाइब बनी हुई है पानी वाली। खैर व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टेक केयर, लव यू, गुड बाय। ओके बॉयज, गुड बाय।